नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मेरा नाम है अभिजीत और मैं रहता हूँ जर्मनी में पिछले 5 साल से। और मैं बनाता हूँ छोटे मोटे वीडियोस जहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस, जैसे कि मेरे जॉब एक्सपीरियंसेस, मेरे यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें शॉकिंग लगती है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोगों के लिए नई। आज मैंने सोचा कि आपके साथ मैं बात करूंगा कि कल्चरल शॉक्स जो होते हैं जर्मनी में आने के बाद एज एन इंडियन क्या क्या मुझे लगा, स्ट्रेंज था, शॉकिंग था। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। मेरे साथ आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और मैं आपको बताऊंगा यहाँ के फनी फैक्ट्स जो कल्चरली मुझे जो लगा कि बहुत शॉकिंग है। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है इसके ऊपर, बट इसके बाद भी मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी 5 साल हुए हैं, तो 5 सालों में काफ़ी चीज़ें हैं, एक वीडियो में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैं इसके आगे भी आपको मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ एंड करते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे आने के बाद जो कल्चरल शॉक लगा, जो मेरे मैनेजर के साथ मैं गया था खाना खाने के लिए, मेरे लिए ये काफ़ी शॉकिंग था। भले ही मेरा मैनेजर था बट उसके साथ मेरे कलीग्स भी थे जो कि मैं काफ़ी अच्छे से मेरे दोस्त भी हो चुके थे। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे ही हमने खाना खाया, होटल में बैठे, सब हुआ, उसके बाद जब बिल देने का टाइम आया, तो जैसे हमारे इंडिया में होता है कि कोई एक बिल दे देता है और हम उसमें स्प्लिट करते हैं, या फिर दोस्त होते तो हम लोग पैसे देते भी नहीं है। बात तो सही है काफ़ी कॉमन है इंडिया में। सो यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आपने जो चीज़ खाई है उसका बिल आपको देना पड़ता है, जो मेरे लिए इट वॉज लाइक अ शॉक। बिकॉज ऐसा होता है कि इंडिया में तो हमने कभी किसी को खाने के ऊपर से कभी हम लोग ना किसी को कुछ बोलते हैं ना किसी को कुछ टोकते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे कल्चरली मुझे चेंज लगा कि जैसे कि आपने जितना खाया है, अगर मान लो आपने एक सैंडविच ऑर्डर किया है या फिर एक बर्गर ऑर्डर किया है, तो आपको अपने बर्गर का पैसा देना पड़ता है, सामने वाले ने जो खाया है उसका वैसा वो देगा। सो मेरे लिए ऐसा था कि मैंने मैनेजर के पास देख रहा था एंड देन वेटर आई एंड वेटर ने पूछा कि आपको एक साथ बिल करना है या गेट रेंट, दैट मीन्स कि आपको डिफरेंट पे करना है। एंड मेरा मैनेजर वॉज लाइक कि यस, मुझे डिफरेंट पे करना है। सो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था ये चीज़ कि ये लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या खाया है क्या नहीं। तो ये आपको याद रखना पड़ता है आपने क्या खाया है एंड देन उसके हिसाब से आपको बिल देना पड़ता है। एंड शेयरिंग, जैसे कि हम लोग एक सब्जी लेके शेयरिंग करते हैं हमारे इंडिया में, वैसा नहीं है। यहाँ पे सब लोग अपना अपना आइटम, डिफरेंट आइटम लेते हैं एंड उसके हिसाब से ही बिल पे करते हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। सेकेंड थिंग मुझे जो लगी यहाँ पे कि जैसे मेरा एक कोलीग था कंपनी का, तो उसके शादी में मैं गया था एंड शादी में आपको जान के काफ़ी शॉकिंग लगेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम 50 लोग थे। एंड जो हमारे यहाँ पे शादियाँ होती है, जैसे कि मेरी खुद की शादी में करीब करीब 1,500 से लेकर 2,000 लोग आते हैं, काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है एंड इट्स लाइक अ इवेंट जो हम लोग 8-10 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यही है, यहाँ पे लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है, क्लोज्ड फैमिली वंस को बुलाया जाता है एंड जो सबसे अच्छे आपके दोस्त होंगे उनको, एंड कोलीग्स में अगर आपको लगता है तो उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि मुश्किल से मुश्किल 50 लोग, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30 से लेकर 50 तक ही इनकी मैरिज में लोग आते हैं। एंड मेरे लिए ये काफ़ी शॉकिंग था बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो काफ़ी रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे और काफ़ी रिश्तेदार तो ताने भी देंगे। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे, जो कि हमारे यहाँ पे कॉमन है। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम अलग है। सो मुझे ये चीज थोड़ी शॉकिंग लगी। उसके बाद जब मैं जिम में गया, तो जिम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, शॉवर्स लेते हैं लोग, सोना होता है, यहाँ के जिम्स में सोना भी होता है। सो यहाँ पे मैंने एक चीज देखा कि जैसे शॉवर लेते वक्त ऑब्वियसली बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग होता है, कभी कभी तो वो भी कॉमन होता है, बट मेरी जो जिम है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का सेक्शन अलग अलग है। बट जैसे ही आप शॉवर के लिए जाओगे तो आप एटलीस्ट आपके इनरवेयर्स तो भी पहनोगे, यहाँ पे वो नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट खुला खुला सिस्टम है जिसका, यस आपको हंसी आ रही है, मुझे भी काफ़ी हंसी आ रही थी, बट ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था और मुझे यू मोमेंट था। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं किसी को देख लेता था तो मैं अपनी आंखें इधर कर लेता था, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे लिए ये कॉमन नहीं है। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे
साथ में सामने सामने ही वो खुला आई मीन विदाउट क्लोथ्स घूमते हैं, एंड ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था, बिकॉज इंडिया में अगर ऐसा कुछ कर दिया तो क्या बताऊं अभी, आपको तो पता ही है। आई वुड से कि इनके कल्चरल में ही ये है और ये लोग के लिए ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है, ये लोग को कुछ लगता नहीं है इसके बारे में, बट मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने यह देखा तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगा। एंड देन दे टेक शॉवर्स, दैट्स ओके, बट विदाउट क्लोथ्स आप डायरेक्ट रूम में घूम रहे हो, बट यहाँ ये चीज यहाँ पे होती है। के बाद जब हम लोग यहाँ पे नए नए आए, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे वीकेंड्स में हम लोग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, या काफी चीजें जो ग्रोसरीज वगैरह होता है फैमिलीज का, वो हम लोग सैटरडे संडे ही प्लान करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ पे मुझे एक सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कि संडे यहाँ पे सब बंद होता है, पूरा दुकान सब मॉल्स बंद, सब बंद। इंपॉर्टेंट चीजें है जैसे कि पेट्रोल पंप है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, या मिल्क हो गया, या बाकी सब चीजें तो कियोस्क करके यहाँ पे है तो आपको कियोस्क में भी मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिगरेट है तो सिगरेट आपको मिल जाएगी। सो सिगरेट्स की दुकान खुले होते हैं, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि कियोस्क है या पेट्रोल पंप है वो खुले होते हैं, बट संडेज यहाँ पे काफी काम होता है तो संडे यहाँ पे सब बंद होता है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि आप हम लोग जब नए नए आए तो मुझे ये लगा कि संडे को जाके शॉपिंग करेंगे, बट संडे जब हम फर्स्ट टाइम गए तो इट वॉज लाइक एवरीथिंग इज क्लोज। सो आपको जो भी लेना है आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक ही प्लान करना पड़ता है। सो ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था यार। उसके बाद जो मेरे लिए और एक चीज जो मुझे लगा कि यहाँ पे काफी शॉकिंग है वो है यहाँ पे जो आपका फर्नीचर हो गया या जो भी चीज आपको नहीं चाहिए, जो आप नहीं यूज कर रहे हो, तो ये लोग यहाँ पे बाहर जाके रस्ते में एक साइड में जहाँ पे आना जाना नहीं है, मतलब एक फ्री स्पेस में जाके रख सकते हैं, एंड वहां पे एक बोर्ड लगा सकते हैं कि जू फरसेंकन, उसका मतलब होता है कि गिव अवे, एंड देन अगर आपको वो चीज पसंद आती है तो आप उठा के उसको लेके जा सकते हो। तो अगर फर्नीचर हो गया, जैसे काफी चीजें है घर में जो आपको अनवांटेड है, आप बाहर जाके रख सकते हो, जैसे यूज में नहीं है आपके तो आप बाहर जाके उसको रख सकते हो, और काफी लोग उसको उठा के लेके भी जाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी नॉर्मल, चीजें यूज्ड होती है, बट मेरे लिए ये काफी शॉकिंग था। जैसे हम लोग क्लोथ्स भी गिव अवे करते हैं, इंडिया में भी मैंने ये देखा है कि हम लोग क्लोथ्स देते जिनको जरूरत होती है उनको हम लोग देते, बट यहाँ पे वो जाके सीधे रख देते, और सभी आइटम्स, ऐसा नहीं कि कोई एक ही आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कपड़े हो गए आपके, फर्नीचर हो गया, आप कोई भी आइटम जाके रख सकते हो, एंड कोई भी उसको अगर पसंद आता है सामने वाला बंदा तो उसको उठा के लेके जा सकता है, ये काफी कॉमन है यहाँ पे। उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, जब मैं गाड़ी चला रहा था यहाँ पे, जब मेरा लाइसेंस हो गया, तो आपको यहाँ पे हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देगी। जी हाँ, नो हॉर्न्स। सो अनटिल एंड अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन है तभी हॉर्न का आवाज आपको सुनाई देगा। जर्मन्स डोंट लाइक टू गिव हॉर्न, वो रुकेंगे, वो वेट करेंगे सामने वाला बंदा जाए, एंड देन दे विल पास ऑन। मतलब अगर आप फुटपाथ पे भी हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैम 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 हॉर्न देते रहो, जैसे कि अपने इंडिया में नॉर्मल है, तो इंडिया में ये काफी आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि हॉर्न नहीं दिया जा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि इंडिया में हॉर्न ही नहीं बज रहा, ऐसी कभी टाइम आपने कभी फेस किया है? कुछ भी हो जाए इंडिया में, मैंने खुद ये चीज नोटिस की है, मैं खुद करता था कि कोई भी गाड़ी सामने रुक गई, बैम 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 हॉर्न देते जा रहे, जो यहाँ पे मैंने नहीं देखा। तो ये मेरे लिए काफी कल्चरल शॉक था, एंड ऐसी ही जो चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरे लिए कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट डाउन की थी आपको बताने के लिए। सो आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, और मैं ट्राई करूंगा आपको जर्मनी के काफी फन एंड फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर।